खरगोन जिला मुख्यालय के एक निजी होटल में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता के लिए कई आयामों पर विशेष रूप से कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर गोपाल चंद डार्ड, नगरपालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला, भोपाल प्रतिनिधि मंडल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और स्वच्छता अधिकारी मौजूद थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। केपीएमजी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन है जो इसका एक ट्रेनिंग देने के लिए आया है। आठों यूएलबी के अधिकारी और व्यक्ति जो स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन को देख रहे हैं वो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अच्छी बहुत शोध है और मैं आशा कर रहा हूँ कि खरगोन जो नंबर वन है भारत में, वो अब भारत में जो 17th नंबर है उसको 10 नंबर के अंदर ले आएगा, आप लोगों के सहयोग से और जनता की समझदारी से, जनता की सपोर्ट से। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आम नागरिकों को, जिले में पूरे जिले के नागरिकों को? मैं तो सभी से यही अपील कर रहा हूँ, सभी से यही आशा करता हूँ, सभी से मैं, मुझे विश्वास भी है कि चूंकि अभी तक खरगोन को नंबर वन बनाया है तो आठवीं यूएलबी टॉप लेवल पर आएगी, फर्स्ट 10, फर्स्ट 20 में आएगी और खरगोन फर्स्ट 10 में पूरे भारतवर्ष में निश्चित रूप से आएगी जनता के सहयोग से। आयोजन किया गया है प्रदेश में, इंदौर नंबर वन पर, जो हमारा इंदौर ज़िला है नंबर वन पर रहा है, और भी दूसरे ज़िले हैं जहां पर बहुत अच्छे काम हुए, तो वहां के नवाचारों का कैसे हम इस ज़िले में उपयोग कर सकते हैं, इस थॉट के साथ सर ने ये वर्कशॉप रखी जो निश्चित रूप से ज़िले के सभी यूएलबीज़ के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और खरगोन और दूसरी जो नगरीय निकाय हैं वो भी स्वच्छता में नंबर वन आ सके, ऐसे प्रयास होंगे इस वर्कशॉप से निश्चित रूप से। मैम खरगोन और महेश्वर के लिए क्या प्लानिंग है? महेश्वर चूँकि पर्यटन नगरी भी है, पर्यटन नगरी के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, वो भी इनको आज वर्कशॉप में इनको बताए गए हैं। और कलेक्टर साहब से इस बारे में आप बात करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से विज़न बता पाएंगे।